अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरी बहनें अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के से परेशान हैं, जो ग्लास स्किन और नरम और मुलायम और ताज़ा स्किन चाहती के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट लेके आई हूं। आपने एंड तक ये मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। फ्रेंड्स, के मैंने ऑर्गेनिक लैब का अपना ऑर्डर मंगवाया था, मैं इसको आपके सामने लाइव खोल रही हूँ। इससे पहले मैं इनका सीरम और ग्लास स्किन रिफाइनिंग क्रीम यूज़ कर चुकी हूँ, ले चुकी हूँ एक ऑर्डर। क्योंकि मेरा सीरम ख़त्म हो गया था, मैंने दोबारा से फिर मंगवाया है इसको, और इसको आपके साथ मैं खोल रही हूँ और साथ में इसको आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम की। फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक लैब का ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम है। इसके अंदर हेलोरोनिक एसिड 1% और नाइसिनमाइड्स 5% मौजूद, और ये क्रिस्टल क्लियर से है, मतलब ये स्किन को क्लियर करता है, साफ़ करता है। ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम है तो ये हमें ग्लास स्किन देता है। फ्रेंड्स, चूँकि इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये जो सीरम है, हमारी स्किन के ऊपर जो एक्नी स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, वो कम करता है। आपने इनके मुताबिक लिखा हुआ है कि ये हाइड्रेट करता है, स्मूथ करता है हमारी स्किन को पम्प करता है, जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, डार्क स्पॉट को ये क्लियर करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को, और रिस्टोर करता है ग्लो को, और ये प्रोमोट करता है ल्यूमिनस स्किन को। मतलब ये स्किन के ऊपर से निशान, एक्नी स्कार, पिगमेंटेशन को ख़त्म तो नहीं करता, मगर काम जरूर करता है। आपने यूज़ कैसे करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने पंप स्किन को। फ्रेंड्स, ये ग्लास स्किन रिफाइनिंग नाइट क्रीम है, रेटिनॉल क्रीम है। ये 20 साल से कम उम्र के ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो इसको आप यूज़ करें नाइट क्रीम में। आप सीरम लगाने के बाद ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेटिनॉल के बारे में पूरी चाहिए तो मैं अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी, इसके बेनिफिट्स हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।